का बर्थडे बड़ा दिन होता है, क्या कहना चाहते? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी का 25th बर्थडे है, आ गया बर्थडे बॉय, आ गया बर्थडे बॉय, प्लीज कवर हिम फर्स्ट। Happy 25th Avinash, he's an amazing co-actor, so I just wish the best for him because he's really one of the best co-actors. I think he likes when he's working on his birthday and he was Happy birthday! Thank you! First of all, happy birthday! Thank you, thank you so much! 25th birthday is your and a grand celebration on set. Mummy Papa came to Tanya and told me. How happy you are! What did you सो आई हैव टू टेल यू अभी की ये बहुत को बहुत ही शायरी ओरिएंटेड बातें करते हैं। यस यस मैं शायरी लिखता हूँ पर्सनल लाइफ में। यस आई राइट शायरी। प्लीज डिस्क्लोज मोर सीक्रेट्स बिकॉज़ इट्स योर बर्थडे, कम ऑन ऑन टू यू। हां जी ना, हां हां जी। किस तरह का सेलिब्रेशन हुआ आपका? लाइक 25th बर्थडे इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। करेक्ट। 25th किस तरह का सेलिब्रेशन? So basically I think we have just come और 25th birthday है और बहुत ही special है and first of all thank you so much आप लोग यहाँ पे आए and to make it more special and all the friends of mine, all the colleagues, they'll be coming up now to celebrate with me and it's like really an honor. मम्मी पापा ने आपको क्या दिया gift, कुछ अगर आप बताना चाहें? मम्मी पापा ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और ये सूट दिया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं एंड एक टी शर्ट दिया है, जैकेट दिया है। सो ये फैशन से रिलेटेड मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स मिले ऑफ कोर्स। इस बार आपने खुद को कौन सा तोहफा दिया है? ऑफ कोर्स डिसाइड किया होगा कि वाला है इस बार। खुद को टाइम नहीं मिला बिकॉज मैं सोच रहा था कि मैं आऊँगा, मुझे यहाँ आना भी था टू सी द प्रिलिमिनरी चेक्स एंड एवरीथिंग, बट एज यू कैन नो कि शूटिंग अ टीवी शो कितना हेक्टिक हो जाता है एंड वी हैव बीन शूटिंग इट लाइक एवरी डे लास्ट डे लास्ट, तो अभी आए हैं सो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जाऊँ कहीं या अपने लिए कोई गिफ्ट खरीदूँ, बट छोटी छोटी चीज़ें जैसे शूज़ वगैरह, क्लोथ्स वगैरह आई हैव बॉट फॉर माय सेल्फ। Thank you, thank you. Done, guys. चलो हो गया, चलो चलो। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। ये मोबाइल भाई, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अरे अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर यहाँ पर विजुअल्स कर रहे हैं। हाँ जी पांडे, पांडे आ जाओ गाइस, थोड़ा सा ये बाबू वीडियो के लिए फोटो भी हो अब सेंटर यहाँ पे, यहाँ पे सर आ जाइए। प्लीज प्लीज, हाँ 1 सेकेंड।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Avi. Happy birthday. सबसे पहले तो बर्थडे विशेज़ दे देती हूँ, क्योंकि अविनाश का बहुत ही खास दिन है, उसका 25th बर्थडे है. और ख़ास बात ये भी है कि हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ ग्रेट टाइम. तो क्या कुछ गिफ्ट लाए हो अविनाश के लिए? फ्लावर्स लेकर आई हूँ, अपना प्यार लेकर आई हूँ, अपनी बेस्ट विशेज़ लेकर आई हूँ. और आई थिंक मुझे फूल बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि फूल देखकर ही किसी को भी आप चीयर अप कर सकते हैं. सो बेस्ट विशेज, फ्लावर्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस. बात करें रियलिटी शो की, तो आप खतरों के खिलाड़ी में आपको आपका कोई फ्रेंड है वहाँ? खतरों के खिलाड़ी अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि गाइज मैं टीवी नहीं फॉलो कर पा रही हूँ. आई एम डूइंग थिएटर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वेब, तो मैं वही सब कर रही हूँ. मैंने फॉलो नहीं किया है कोई भी रियलिटी शो. आएगा जल्दी इंशाल्लाह, आप दुआएं कीजिए, ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. एक्सक्यूज मी. हेलो, किया रुकिया रुकिया. देन जय विशाल, ले ले भाई. हाय मैं हूं. चलो हां हां, रेडी विशाल. चलो क्योंकि हम दोनों ने साथ में बालिका वधू में काम किया था. एंड यू नो वी ऑल गेट बिजी, लाइफ हैपेंस, वर्क हैपेंस, बट सम पीपल आर वेरी स्पेशल, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ स्पेस दैट वी बोथ आर इन राइट नाउ, एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. हम तो वो भूल जाते हैं, बट या वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड विशिंग हिम लॉट्स ऑफ लव, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग. Thank you so much. And you're looking very pretty. Thanks. I have directly come from my shoot and I was so dazed. But isn't she looking very pretty? Yeah. So, of course. Thank you. कितना change नजर आ रहा है अविनाश में, जो पहले देखा था और अब का जो अविनाश है? पहले कब देखा? Last time कब देखा था? Last time I think दो साल पहले. So we were also in the same college. And he was my senior when I was in the first year. He was my super senior. अच्छा, तो जब third year. Yeah. Okay. Yeah. So then we bumped into college, which was very unexpected because obviously हम दोनों ने काम करना जल्दी शुरू कर दिया था. So we never crossed paths. But I think we just bumped into each other, and then उसके बाद हमारा कभी मिलना नहीं हुआ. But I think these are the times, birthdays, occasions where you get to meet people you and admire. It's, and it's so sweet of you to come. Thank you. It's your birthday, so yeah. Yes. वो तो ये ना, एक सेकेंड, यहाँ पे हम ओनली वांट टू टॉक अबाउट अविनाश's birthday. We'll get to know about it later. Don't worry. चला. ओके, थैंक यू. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू. फोटो वगैरह आई थोड़ा पीछे हो, तुम पीछे मत. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू गाइस. थैंक यू. सर सर सर, मशीन तो मोस्ट सी बोल दो. रेडी करो, एक सेकंड. रेडी गाइस, अजय रोल. हां हां. मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अभी 25 लगा है, और खूब सारी गर्लफ्रेंड बनाओ, मौज करो, पार्टी करो, एंजॉय करो, खुश रहो. क्या
क्या कुछ सरप्राइज लाया वहाँ? सरप्राइज मैं आऊँ ना वहाँ पर, बाकी सरप्राइज दूंगा बढ़िया से। एज एन एक्टर व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट हिम? ही इज अ रियली गुड एक्टर और वो बहुत मतलब हर एक स्क्रिप्ट जो होती है ना अच्छे से पढ़ के बोलते हैं सारी चीज़ें करते हैं, तो दैट इज अ रियली गुड थिंग फॉर अ गुड एक्टर टू एक्ट विद हिम। खतरों के खिलाड़ी आप कितना फॉलो कर पा रहे हैं? कौन है आपका फेवरेट? मेरे फेवरेट जो थे दो वो निकल गए, बाकी जो बाकी है वो भी मेरे फेवरेट हैं क्योंकि अब मैं इतने दिन से शो फॉलो कर रहा हूँ, तो जो नहीं भी जिनको नहीं भी जानता था मैं जान गया उसको। मैं ऑस्ट्रिच के टास्क के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कनिका और रूबीना जी के बीच में टास्क हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क था, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कुछ दो महीने बाद बिग बॉस शुरू होने वाले, आपको वहाँ दिखेंगे कुछ ना कुछ लोग, ऐसे मजा आएगा। ऑडियंस कौन सी ऑडियंस? हाँ अच्छा, सभी को मेरा प्यार और जो कैमरे के दोस्तों रहे उनको भी मेरा प्यार, और मुस्कुराइए खुश रहिए और हैप्पी बर्थडे टू अविनाश। मतलब अविनाश का बर्थडे है और वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, हम लोग मतलब क्योंकि उत्तराखंड से भी मैं शिवाय को बुला के लाया हूँ यार आज सीधे इंजॉय करने के लिए, सो हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, अविनाश ने प्लान किया था, सो फाइनली आज हो रहा है, अच्छा सॉन्ग हो गया मेरा भाई। स्पेशल है वो तो अंदर धमाल मचेगा, थोड़ा डांस वांस होगा और बॉलीवुड गानों में डांस होने वाला है, तो बाकी स्पेशल सारे दोस्त लोग मिलेंगे जो एक्चुअली काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ गेट टुगेदर भी नहीं हो पाया था जहाँ पर हम लोग बाहर जा पाएँ कोरोना की वजह से या क्योंकि पता नहीं सकते, और डेली सोप में इतना टाइम मिलता नहीं है, बट आज तक ही और सब टाइम हमारे प्रोडक्शन हाउस हम थैंक्स कहना चाहेंगे, उन्होंने टाइम स्ट्राइव किया था अविनाश के लिए, बहुत सारे सरप्राइज हैं, कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं, कुछ सरप्राइज फ्रेंड्स हैं जो आने वाले हैं जिनको अविनाश ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट दे विल बी हियर, सो या ही इज़ वेरी हैप्पी। कुछ अच्छे मोमेंट्स उनके साथ शेयर कर दें अगर जो आप अविनाश के साथ, एक्चुअली बहुत सारे मोमेंट्स हैं यार ऐसे शेयर करने लाइक, अगर मैं कहना चाहूँगा तो मैं जब अविनाश को मिला लास्ट ईयर तब ही प्लेइंग माय एल्डर ब्रदर एंड प्लेइंग दैट कैरेक्टर इज रियली डिफिकल्ट, प्लेइंग दैट कैरेक्टर एट दिस एज इज क्वाइट यंग एंड ही इज प्लेइंग एल्डर ब्रदर, जिस मैच्योरिटी से वो काम करते हैं, जिस सिंसियरिटी से अपने किरदार को निभाते हैं, वो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा, और आगरा में हम लोगों ने बहुत मन किया, आगरा से हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर हम एक ही होटल में रहते थे, वहीं शूट करते थे सब कुछ भी, और अभी तो ऐसा हो गया कि मैं अगर कोई छोटा सा भी जोक मारता हूँ तो अविनाश ऐसे ज़मीन पर लोड जाता है, तो उससे बॉन्डिंग समझ आती है कि हमारी कितनी गहरी बॉन्डिंग है, मेरे थॉट्स को कितनी जल्दी समझ जाता है, कई बार लोग बाकी जो आर्टिस्ट होते हैं हमारे तानिया हो गई राधिका क्यों हंस रहे थे, हम दोनों आँखों आँखों में समझ जाते हैं और हम लोग बहुत हंसते रहते हैं। देखिए इस बार मेरा कोई फैन तो नहीं गया पर हाँ आई नो मोस्ट ऑफ देम, मैं फिलहाल रूबीना को कर रहा हूँ, आई फील बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं यार पर्सनली मैं झलक दिखलाजा में जाना पसंद करूँगा झलक, बिकॉज आई लव डांसिंग, और खतरों के खिलाड़ी को उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट। आपका सर कुछ न्यू प्रोजेक्ट अभी तो यार ससुराल से मेरा जिंदाबाद जब तक ये है तब तक नया कुछ आएगा, कुछ वेब सीरीज वगैरह है, कुछ फिल्म की बात चल रही है, बट लेट्स सी एक बार चीज़ें प्रॉपर हो जाए ना सर। आपने बोला झलक दिखलाजा जी भी बोले तानिया को तो अरे वो तो पागल लड़की है, तो इसी साथ जाना, तो दोनों साथ में रह गए, हम दोनों साथ में चले जाए तो मजा आ जाए सोने पे सुहागा, ऑडियंस किस तरह से ये पैर को देखेगी, पर झलक दिखला दे उन्हें पेयरिंग नहीं होती, नहीं तो हम दोनों साथ में चले जाए मजा, वो नजबली में होता है, नहीं तो बहुत पेयरिंग होता नहीं है, झलक में नहीं होता, हाँ वैसे रहता है, सो लेट्स सी, बट हम दोनों अलग अलग जाएंगे मगर एक ही स्टेज पर रहेंगे, इट विल बी फन। ओके गाइस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर सर आप जाओ करण सर वो साइड में ना थोड़ा कवर कर रहा हूँ कितने।
प्लीज प्लीज पुट योर हैंड्स अबाउट द मास्क चल प्लीज 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 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर अविनाश हैप्पी बर्थडे टू यू धन्यवाद अरे फॉर यू देन अरे फोटो क्या भी थैंक यू फोटो लेने फोटो लेने गाइस फोटो सेल्फी वाली फोटो यस यस सेल्फी वाली फोटो ठीक है पहले बाल ठीक कर लो बाल ठीक है ठीक पहले बाल नहीं नहीं यार एक्ट्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बाल होती है ओके गाइस शिवाय गाइस कम से एंड वन मोर एंड यहाँ पे रुके ना बस दिस इज द वन यस दिस इज द वन यस पता ही नहीं चला है और मुझे कहा कि मेरा 25th बर्थडे है तो मैंने कहा 25th कहना जरूरी था क्या नहीं आप 25वां बर्थडे है बिल्कुल एक बड़ी सी पार्टी तो बनती है और इतना अच्छा काम कर रहा है तो सेलिब्रेशन बनता ही बनता है सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश हिम लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस ये बचपन से काम करते आ रहा है मैं दुआ करती हूँ कि हमेशा 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 अच्छा काम करता है कुछ ऐसी बातें लाइक एज अ कोस्टार व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट हिम सी आई लाइक द पैशन अबाउट ऑल थ्री ऑफ देम जो आए थे शो में ये मेहरजान पता नहीं अंदर चला गया सो अविनाश जिज्ञासा और मेहरजान जब शो में आए थे मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस था कि अगर ये अच्छे नहीं आए तो मेरे जगह क्या होगा बट गॉड इज बीइंग काइंड सारे अच्छे आए थ्री डेज आज यूनियन हो रहा है हमारा तो हमें आना ही था इस बर्थडे पार्टी में तो वी वर वेरी एक्साइटेड कितना मिस कर पाते शक्ति जब हम मिलते हैं जब कोस्टार मिलते हैं तो कुछ बातें होती रहती है बहुत ज़्यादा मेरे लिए शक्ति 6 साल रहा है इनफैक्ट एक ऐसा अभी कुछ टाइम पहले एक छोटा सा गेट टुगेदर था जहाँ पे मैं रो पड़ी थी और मुझे रोते रोते देख के ये भी रो पड़ी थी तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इट वॉज़ नॉट ओनली अ शो फॉर अस एक फैमिली बन गई और एक एक ऐसा इमोशन है जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा इसलिए आज मैं मैंने अभी अभी एक नए शो की शूटिंग शुरू की है मैं उसी स्टूडियो में गई उसी सेट पे गई बहुत हेक्टिक दिन था प्लीज़ दुआ करो मेरे लिए नया शो है संजोग अच्छा चले कुछ बताना चाहोगे उस शो के आपके किरदार के बारे में कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक किया नहीं है आप लोग डोमो देख के शायद पता चल ही गया होगा सो बहुत मेहनत है और एक नया कैरेक्टर है तो उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है सो मैं अभी नायगांव शूट करके घर जाके फ्रेशन हो के फिर आई हूँ तो आप सोच सकते हैं कि ये शक्ति की जो टीम है उनसे मिलने का एक चाव भी था अभी डेफिनेटली मैटर्स टू मी अ लॉट सो वो भी है सो हाँ
हमारी शक्ति की टीम को भी बहुत सारा प्यार दीजिए और दुआ कीजिए कि शक्ति टीम वापस आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए, और संजोग को भी बहुत सारा प्यार दीजिए जो बहुत जल्द आने वाला है। मैम खतरों के खिलाड़ी शुरू हो चुका है, 2 हफ्ते हो चुके हैं, क्या कुछ करना चाहोगे आप, फॉलो कर पा रहे? मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि प्रतीक है वो बिग बॉस नहीं जीत पाया तो अब 2 में आया था, मैं चाहती हूँ कि जो सीढ़ी उसने चढ़ी है, हाय हाय ओ नो प्रतीक, आई वांटेड हिम टू विन बट मे द बेस्ट पर्सन विन, और आई थिंक खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है वो इट्स नॉट कि आप कितने अच्छे से स्टैंड करते हैं और कितने अच्छे से डांस करते हैं और कितनी हिम्मत है आप में, इट्स अबाउट लक ऑल्सो, कि वो एक सेकंड का भी फर्क है ना वो बहुत मैटर करता है, इट्स अबाउट लक कि उस वक्त आपका ताला खुला कि नहीं, उस वक्त शेर आप पे झपटा कि नहीं झपटा, सो ये एक लक की बात है, बट आई विश जो भी अच्छा है जो बहुत बेहतर है वो जीत जाए, बट हाँ मुझे पता है कि वो स्टंट करना इतना आसान काम नहीं है, सारे बहुत ही अच्छे हैं और कुछ तो मेरे दोस्त हैं उसमें से, सो आई विश देम ऑल द लक। मैम आपकी किस तरह की प्रोजेक्ट सवाल है मैम, मेरा सवाल है मैं पॉलिटिक्स की बातें नहीं करना चाहती, नथिंग एट ऑल, मैं किसी को नहीं जानती। मैम आप किस तरह के प्रोजेक्ट आपके आने वाले समय में दिखने वाले हैं? प्रोजेक्ट जब आएंगे तो सबको दिखे जाएंगे, आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट माय प्रोजेक्ट्स। एंड खतरों के खिलाड़ी आप फॉलो कर पा रहे हो? मैं फॉलो कर रही थी और इस बार मैं जाने भी वाली थी पर मैं गई नहीं, बट नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, और मैं फॉलो कर रही हूँ। माई फेवरेट वॉज जन्नत, वो छोटा पैकेट पड़ा था वहाँ पर, बट आई थिंक एलिमिनेटेड, नो नो प्रतीक इज एलिमिनेटेड, अच्छा प्रतीक, ओके सो माई फेवरेट इज जन्नत, आई रियली रियली लाइक कुछ महीनों से मैं एकदम गायब थी और कुछ सोच समझ के गायब हुई थी, अब आऊंगी तो वापस जैसे आती हूँ हमेशा वैसे आऊंगी। हेलो लास्ट, जिसके अंदर वो खींच लेना अंदर, यार तू मुझे छोड़ के अंदर चला गया, मैं अभी तक बाहर हूँ, केक काट रहे हैं यार, केक काट रहे हैं अंदर, देखना यार 2 मिनट में आ रही हूँ, जीगू भी उधर ही खड़ी है, 2 मिनट में आ रही हूँ, हाँ 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 चलो यार केक काटने जाना है, थैंक यू। मैं अपनी शक्ति को टीम शक्ति की टीम को मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत सारे और भी एक्टर्स होंगे अंदर जिनसे वैसे रूटीन में मुलाकात नहीं हो पाती, तो सबको मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ। जब अविनाश के साथ पहले दिन हमारी शूटिंग थी, हम प्रोमो शूट कर रहे थे और मैं
थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन कि ये जो तीन बच्चे आ रहे हैं ये पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि मैं शक्ति से बहुत प्यार करती हूँ और उस वक्त विविन जा चुका था, रूबीना जा चुकी थी, तो ऐसा था कि ओ माय गॉड अब ये जो नए आएंगे वो अच्छे अगर ना निकले तो पता नहीं मेरे से होगा क्या होगा। सो जब पहला दिन था और जब पहला शॉट था और जब मैंने इन तीनों को देखा, वो पहला शॉट के बाद जो होता है ना, हाँ अच्छे हैं, जैसे कि होते हैं ना कि बहुत गर्मी के बाद बारिश आती है तो कैसा लगता है कि अरे वाह चलो गुड। सो इनका जो जो हमारा पहला शॉट था वो काफ़ी यादगार रहा है मेरे लिए, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये तीन आए इस शो में जिन्होंने इस शो को और बेहतरीन बना दिया है। एंड आई एम गोइंग इनसाइड क्योंकि अभी अभी का केक कट रहा है। नया शो है, नया किरदार है, नया लुक है, प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए। आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मेरे सारे किरदार को इतना चाहा है कि आज भी आप सब मुझे उस किरदारों के नाम से बुलाते हैं, कभी प्रीतो बुलाते हैं, कभी सिंदूरा बुलाते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप मुझे गौरी बुलाएं और मेरे शो को, इस शो संजोग को बहुत सारा प्यार दें। यही तो कहा ऑडियंस से। चलो बाय, थैंक यू। कोई ऐसी बात है जो काफ़ी अच्छी लगती हो एज एन एक्टर, एज एन फ्रेंड? एक टाइम था जब बालिका वधू लोगों को रुलाया है, वो उस टाइम से कर रहा है जब हम तो क्या इस कुछ पता नहीं था कि सब करने ही वाले कि हम मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है इस साल, बट यार अपने फ्रेंड्स हैं जन्नत फैजू है, तो आई जस्ट विश देम लक के रियलिटी शो। आ रहा है ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स कॉल्ड सोशल करेंसी, देखते हैं इस साल आ जाएगा। बताना चाहोगे आपके किरदार के बारे में? इट्स अ रियलिटी शो, रियलिटी शो ऑन नेटफ्लिक्स। इसके अलावा कोई एनी अपकमिंग? मेरा नेक्स्ट सिंगल आ रहा है जिसका नाम है कुछ तो लागे कम, एक बॉलीवुड फिल्म आ रही है इश्क पश्मीना, इसी साल आएगी। और तीनों ग्रुप को हम फिर से कब पाएंगे? मेरे गाने में, मेरे गाने में देख पाओगे। हमने दुबई में कुछ शूट हो रहा था आपकी शूट, हाँ मैंने वो तो मेरा नेक्स्ट सिंगल है, मैंने और लीशा पाटीदार करके एक हमारी एक्टर है उसके साथ हमने किया। Thanks. एक विशाल काफी अच्छी, काफी अच्छा लगा आपको देखते हुए। अविनाश जी का 25th बर्थडे, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? 25th बर्थडे है अविनाश का और मुझे मैं पर्सनली अविनाश को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, रेगुलरली मिल नहीं पाते, बट जब भी ऐसा मौका होता है हमेशा ही मैंने देखा है कि वो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करता है, मैसेज पे हो, स्टोरीज पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या हम लोग मिल के हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कुछ अच्छे लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। आई वॉन्ट टू जस्ट विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड आई एम रियली रियली सो प्राउड ऑफ हिम, और आज का दिन उसका दिन है और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन वो अपने दिलो जान से खुश रहे और बहुत पॉजिटिव रहे हमेशा। एज एन फ्रेंड क्या कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आपको काफ़ी अच्छी लगती है? एनी क्वालिटी? अविनाश एक बहुत ही मुझे पता नहीं उसके वाइब्स देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता है वो ज़्यादा एज एन एक्टर से ज़्यादा एक एज बिजनेसमैन मुझे पता नहीं प्रेजेंट होता है मेरे सामने हमेशा ही, और बहुत ही एक प्रोफेशनल लड़का लगता है मुझे, और एक पॉजिटिव वाइब है उसके साथ हमेशा ही, उसको जब भी मिलते हैं तभी, तो आई थिंक दीज आर द क्वालिटीज आई फील ही है। विशाल जन्नत एंड फैजू इज डूइंग रियली वेल इन कतरो खिलाड़ी, आपके दोनों काफी अच्छे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? आप फॉलो कर पा रहे हो? मैं फिलहाल तो एक्चुअली मैं टेलीविजन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, और बट मैंने हमेशा ही कहा है क्योंकि मेरी जन्नत बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम लोग महाराणा प्रताप के टाइम से एक दूसरे के साथ है और अब तक कनेक्टेड है, तो मैं चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ कि वो जीते
और मेरी गुड विशेष हमेशा उसके साथ थी और है और रहेगी। एंड कितनी खुशी की बात होती, कितना अच्छा लगता है लाइक योर फ्रेंड इज डूइंग रियली वेल बीइंग एन अंडरडॉग। काफी लोगों ने कहा था एज काफी छोटी, बट एज डजंट मैटर। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जन्नत बहुत ही कॉन्फिडेंट है, और मैंने फर्स्ट सेकंड एपिसोड मैंने देखा था और मुझे उससे पता चला कि वो फियरलेस भी है। वो किसी भी स्टंट को करने से पहले डरती नहीं है और बहुत कॉन्फिडेंट है नॉर्मली भी, अपने लाइफ में भी और ऐसे कोई शोज़ में भी। इससे पहले भी उसने कुछ रियलिटी शोज़ किए हैं जहाँ पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इवन यहाँ पे भी उसकी तारीफ हो रही है। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको मैं करीब से जानता हूँ जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बहुत ही प्राउड वाली बात है। विशाल मर्दानी 2 और जो हॉटस्टार पे जो शो था उसको काफ़ी प्यार मिलता है जी। काफ़ी अलग शो, कल काफ़ी अलग किरदार आपने निभाया था एज अ पर्सन से। किस तरह के रोल आप आने वाले समय में देखते हो? नेगेटिव किरदार को काफ़ी सराहा जाता है, हाँ, स्पेशली मर्दानी 2 को जी प्यार मिला है जी जी। महाराणा प्रताप से काफ़ी अलग था वो, क्या कहना चाहोगे किस तरह के रोल आप एक्सप्लोर? दोनों ही, और आई थिंक दोनों ही नहीं, मैं एक लालची एक्टर हूँ और मुझे भी उन सारे एक्टर्स की तरह सभी तरीके के रोल करने हैं जो मेरे लाइफ में आए, जो मुझे चैलेंज भी करे। कहीं कहीं पे ऐसे रोल भी करना चाहता हूँ जो मेरे कंफर्ट जोन के भी हो, और वो भी करना चाहता हूँ जिसमें लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। तो मैं अपने आप को किसी एक रोल का रोल की बात करके लिमिट नहीं करना चाहता कि मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इसी टाइप के रोल करना चाहूँगा। डेफिनेटली मुझे एक वर्सेटाइल एक्टर का अगर टैग मिले तो मुझे बहुत पसंद आएगा, और मैं कोशिश करता हूँ हर बार अपने किए हुए काम से अलग काम हो। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? एक्चुअली है तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, 4 फिल्में हैं जो आने वाली है, और फिलहाल मैं उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट समय आने पे डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।